हेलो स्टूडेंट्स हमारा बी ए बी एस सी सेकेंड ईयर की बुक की एडवांस कैलकुलस बुक का एट चैप्टर चल रहा है जिसमें हम ऐट पॉइंट थ्री कम्प्लीट कर चुके हैं अब तक आज हमारी एट पॉइंट फोर कम्प्लीट हो जाएगी उसके लिए कुछ डेफिनेशनस और एक दो फार्मूला की ज़रूरत है वो हम एक बार देख लेते हैं अब देखो अगर आपको इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन एट एनी पॉइंट ऑफ सरफेस दिस निकालना हो तो उसके लिए सीधा फार्मूला है आपके पास आर माइनस आर वैक्टर डॉट डेल एफ इज इक्वल्स टू जीरो क्या आ जाएगी हमारे पास इज इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन एट पी इसके बाद हमारे पास है नॉर्मल प्लेन की इक्वेशन अगर हमें निकालनी हो प्लेन थ्रू पी एंड परपेंडिकुलर टू टेंजेंट प्लेन एट पी इज कॉल्ड नॉर्मल प्लेन एट पी टू द दर कि किसी एक ऐसा प्लेन जो पी के थ्रू हमने पास करवाया है जो किसके पर पेंडिकुलर है टेंजेंट लाइन एट पी पी के ऊपर कोई टेंजेंट लाइन ड्रॉ करे उसके पर पेंडिकुलर जो प्लेन है वो हमारा कैसा हो जाएगा नॉर्मल प्लेन एट पी टू द कर इसके लिए सीधा जो आपका फॉर्मूला काम करेगा वो रहेगा आर माइनस आर वैक्टर डॉट टी कैप या फिर आर माइनस आर वेक्टर डॉट आर डॉट इज इक्वल्स टू तो ज़ीरो आप ये या ये यूज़ कर सकते हैं अब इसी पे एक इसकी इन्होंने कार्टेजियन फॉर्म भी दे दिया आप ये भी यूज़ कर सकते हो एक्स माइनस स्मॉल एक्स एक्स डॉट प्लस वाई माइनस वाई वाई डॉट प्लस जेड माइनस जेड जेड डॉट इजिकल टू जीरो इसी फॉर्मूले uh, पे बेस्ड हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं दो ही आपके क्वेश्चन हैं इस एक्सरसाइज में फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल प्लेन टू द कर्व दिस नॉर्मल पेन की इक्वेशन हमें निकालनी है और कर्व हमें यह दी हुई है ठीक है अब हमारे पास किस किस चीज की ज़रूरत है अगर हम इस इक्वेशन की बात करें तो हमें आर डॉट की जरूरत टी कैप की ज़रूरत है और टी कैप हमारा कैसे निकलता है डी आर बाई टी कैप का क्या मीनिंग होता है यूनिट टेंजेंट वेक्टर होता है टेंजेंट वेक्टर कैसे निकलता है डी आर बाई डी टी करके और यूनिट टेंजेंट वेक्टर कैसे निकलेगा डी आर बाई डी टी को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करके ठीक है तो इट मीन्स आपको डी आर बाई डी टी की रिक्वायरमेंट है और उसके मैग्नीट्यूड की आर वेक्टर ये है हमारे पास डी आर बाई डी टी निकाल सकते हैं कंपोनेंट वाइज ही डेरीवेटिव करना है सिंपल है बिल्कुल डी आर बाई डी टी का स्क्वायर किया हमने यहाँ से ठीक है सिम्प्लीफाई करके आपका ये आ जाएगा डी आर बाई डी टी का मैग्नीट्यूड निकाल लिया इसी का स्क्वायर रूट हो जाएगा तो टी कैप हमारे पास ये बन जाएगा बिल्कुल ज़्यादा काम नहीं है आज के लिए हमारे पास टी कैप हमारा ये आ गया अब हमारे पास इक्वेशन क्या होती है नॉर्मल प्लेन की आर माइनस आर वैक्टर डॉट टी कैप आर हमारा क्या है एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड जे के माइनस आर वैक्टर जो आपका वही था गिवन था और ये टी कैप अभी जो आपने फाइंड आउट किया आगे ये सारा कैलकुलेशन का काम है बिल्कुल दो मिनट का काम है आप अपने आप ये ट्राई करके देख लेना आपके पास इक्वेशन ऑफ नॉर्मल प्लेन आ जाएगी इसके बाद जो हमारा टॉपिक है वो उसके लिए जो आपका फार्मूला काम करेगा टॉपिक देख लो एक बार क्या है इक्वेशन ऑफ ऑस्कुलेटिंग प्लेन एट अ पॉइंट ऑन द कर्व ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू सरफेसेज दिस एंड दिस अगर आपको दो सरफेस दिए हों एफ ऑफ आर और साई ऑफ आर तो उनकी इंटरसेक्शन वाली कर्व के पॉइंट पे आपको ऑस्कुलेटिंग प्लेन निकालना हो तो कैसे निकलेगा पिछली एक्सरसाइज में हमने क्या किया कर्व के किसी पॉइंट पे आपको ऑस्कुलेटिंग प्लेन निकालना अब आपको एक कर्व नहीं दी हुई आपको दो कर्व दी हुई है एक एफ और एक साई si. इन दोनों कर्व की इंटरसेक्शन से जो ये दो सरफेस है हमारे पास इन दोनों सरफेस के इंटरसेक्शन से जो एक कर्व आ रही है उस कर्व के पॉइंट पे आपको ऑस्कुलेटिंग प्लेन निकालना है ठीक है उसके लिए एक आ, या तो आप ये फार्मूला यूज कर सकते हैं या फिर जो हमारा इन्होंने एग्जाम्पल में यूज़ किया है वो ये है x माइनस एक्स कर लिया एफ बाई करली एक्स प्लस वाई माइनस वाई कर लिया बाय करली वाई प्लस जेड माइनस जेड कर लिया बाय करली जेड नीचे गया एक्स डॉट स्क्वायर प्लस करली टू एफ बाई कर ली एक्स स्क्वायर आगे प्लस सोन का क्या मीनिंग है कि ये वैल्यू हमारी क्या है ये है एक्स डॉट स्क्वायर कर्ली टू एफ बाय करली एक्स स्क्वायर प्लस वाई डॉट स्क्वायर करली टू एफ बाई करली वाई स्क्वायर प्लस जेड डॉट स्क्वायर करली टू एफ जेड स्क्वायर और उसके बाद क्या दिया हुआ टू वाई डॉट जेड डॉट ली टू एफ बाई करली वाई करली जेड प्लस सोन सोन का क्या मीनिंग है यहाँ पे पूरा मीनिंग पता होना चाहिए ये बात कहना चाह रहे हैं कि टू टाइम्स वाले टर्म इन्होंने एक ब्रैकेट में कर लिया और ये स्क्वायर वाले टर्म एक ब्रैकेट में टू एक्स डॉट वाई डॉट ली टू एफ बाय करली एक्स कर ली बाय याद रखने में कोई दिक्कत नहीं आएगी टू एक्स डॉट जेड डॉट ली टू एफ बाय करली एक्स करली जेड जहाँ जो डेरिवेटिव यहाँ है उसी के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव यहाँ है टू वाई डॉट जेड डॉट ली टू एफ बाय करली वाई करली जेड सिमिलर आपका ये साई के लिए हो जाएगा ये दोनों को इक्वेट करो आपका ऑस्कुलेटिंग प्लेन आ जाएगा इस पे बेस्ड एक ही क्वेश्चन है हमारे पास वो देख लेते हैं एक बार फाइंड ऑस्कुलेटिंग प्लेन एट एक्स वन वाई वन जेड वन ऑन द ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दिस अब सरफेस हमें क्या दे दिया सिलेंडर की फॉर्म में दे दिए एक को एफ मान लेते हैं एक को साई si मान लेते हैं इनकी कर्व ऑफ इंटरसेक्शन के इस पॉइंट पे आपको ऑस्कुलेटिंग पॉइंट निकालना एक ये सरफेस हो गया एक ये हो गया मेन हमारी रिक्वायरमेंट उसमें क्या थी एक्स डॉट वाई डॉट जेड डॉट इनकी थी रिक्वायरमेंट तो हमारे पास हमने क्या किया डिफ्रेंशिएट कर दिया दोनों को विद रिस्पेक्ट टू टी अब एक्स वाई जेड हमारे पास टी के फंक्शन होता है पहले तो ये एक्स का फंक्शन है तो क्या आ जाएगा टू टाइम्स इसका डेरिवेटिव हो जाएगा टू एक्स एक्स डॉट एक्स का डेरिवेटिव टी के रिस्पेक्ट में प्लस टू जेड जेड डॉट ए है इसका जीरो तो टू से टू थ्रू आउट कैंसिल कर दिया तो क्या आ जाएगा एक्स एक्स डॉट प्लस टू जीरो भी टी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करोगे तो वाई वाई डॉट प्लस टू जीरो अब ये दो इक्वेशन है हमारे पास क्रॉस मल्टीप्लाई वाले मेथड से निकाल सकते हो एक्स डॉट के डिवाइड में क्या आ जाएगा वन बाय एक्स वाई डॉट के बाय में वन बाई वाई और जेड डॉट के डिवाइड में माइनस वन बाय जेड ठीक है और किस किस चीज की जरूरत है कर लिया बाय कर लिया एक्स कर लिया बाय कर ली वाई कर लिया बाय कर ली जेड एफ़ आपके पास सिंपल दिया हुआ है तो ये सारी डबल डेरेवेटिव जितने भी रिक्वायरमेंट है हमारे पास फार्मूले के अकॉर्डिंग वो सारे निकाल सकते हो सिमिलरली ये सारे रिक्वायरमेंट हमारी साई के लिए वो सारी वैल्यूज़ निकाल सकते हैं हम अब हमसे वैल्यू किस पे पूछी है ऑस्कुलेटिंग प्लेन हमें निकालने के लिए किस पॉइंट पे कहा है एक्स वन वाई वन जेड वन पे तो हमने वही फार्मूला यूज़ किया जो अभी यहाँ पे आपको दिखाया था ये वाला ठीक है एक्स माइनस स्मॉल एक्स था हमारे पास यहाँ पे और अब इधर क्वेश्चन में हमारे पास क्या एक्स वन करली एफ बाय ली एक्स निकलेगा किस पॉइंट पे एट एक्स वन क्या आ जाएगा ये टू एक्स वन सिमिलरली वाई माइनस वाई वन कर ली एफ कर ली वाई एट वाई वन ये जीरो है तो ये जीरो जेड माइनस जेड वन करली एफ बाय करली जेड एट जेड वन मीन्स टू जेड वन नीचे क्या था हमारे पास करली टू एफ बाय करली एक्स स्क्वायर और एक्स डबल डॉट था एक्स डॉट हमारे पास किसके इक्वल जा रहा है वन बाय एक्स के और एक्स वन पे किसके इक्वल जाएगा वन बाय एक्स वन के तो ये किसके इक्वल आ जाएगा एक्स डॉट का स्क्वायर क्या आ जाएगा वन बाय एक्स वन स्क्वायर और इधर से करली टू एफ बाय करली एक्स स्क्वायर टू आ जाएगा और करली टू एफ बाई करली बाई स्क्वायर जीरो है तो ये टर्म खत्म हो जाएगी करली टू एफ बाय करली जेड स्क्वायर टू के इक्वल है और जेड डबल डॉट के जेड डॉट का स्क्वायर किसके इक्वल है वन बाय जेड वन के स्क्वायर के इक्वल तो यहाँ पे हमने टू बाय जेड वन स्क्वायर लिख लिया सिमिलरली आपका किस में चलेगा इसमें चलेगा इसमें आपका एक्स के रिस्पेक्ट में ज़ीरो आ जाएगा वाई और जेड के रिस्पेक्ट में नॉन ज़ीरो आ रहे हैं हमारे पास और सारी वैल्यूज बाकी सारी हमारी ज़ीरो ही चल रही हैं ठीक है इनको इक्वेट करते जाओ सिंप्लीफाई करते जाओ आपके पास यहाँ तक जो भी इक्वेशन आ जाएगी आपके पास फाइनली ऑस्कुलेटिंग प्लेन की इक्वेशन आ जाएगी किस पे ऑन द कर्व ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू सरफेसिस एट पॉइंट एक्स वन बाई वन जैड वन सीधा फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज में आपके सबसे इजी एक्सरसाइज यही है आपकी इस चैप्टर में एक तो स्टार्टिंग वाली फर्स्ट एक्सरसाइज बहुत इजी थी और ये फोर्थ एक्सरसाइज बहुत सिंपल है दो फॉर्मूला आपको करने हैं उन उनपे बेस्ड क्वेश्चन है सीधे सीधे ठीक है उम्मीद करती हूँ सबको समझ में आ गया होगा ज़्यादा काम मैंने नहीं करवाया इस वीडियो में एक ही एक्सरसाइज थी कि नेक्स्ट एक्सरसाइज मैंने इसलिए स्टार्ट करवाई न्यू कॉन्सेप्ट आएंगे आगे थोड़े टिपिकल हैं आगे के कॉन्सेप्ट तो ईजी एक्सरसाइज मैंने एक ही वीडियो में कवर कर दिए बाकी काम हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं थैंक यू स्टूडेंट्स